भाई साहब इस लेवल तक भी यही टेक्नोलॉजी एडवांस हो सकती है। यहाँ पर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और ये देखो ये 3D मॉडल आ गया और ये आपसे बातें कर रहा है। और चुटकी मार के मॉडल भी चेंज कर लो, वापस आ जाते हैं। और ये 3D मॉडल्स के साथ चाहे आप बातें कर लो, चाहे इनको वॉक करवा लो, बेसिकली हमें सिर्फ खुद की वीडियो चाहिए। उसके अंदर 3D मॉडल भी अपने आप आ जाएगा, लाइटिंग मैच हो जाएगी, एनिमेशन मैच हो जाएगी, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, हाथ वाथ हिला रहे हैं और ये सब करना कैसे है वो आज की वीडियो में आप देखने लगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं, स्टार्ट करते हैं ये इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो सबसे पहले तो गूगल को ओपन कर लीजिए एंड यहाँ पर हम सर्च करेंगे वंडर डायनामिक्स AI और ये वाली वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। और आप अगर पहली बार ये वेबसाइट को यूज कर रहे हो और आपके पास एक्सेस नहीं है तो रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म फिल करना होगा पहले। तो जब आपकी ईमेल पर इनका एक्सेस आ जाएगा तो सिंपली आपको इस वेबसाइट के अंदर ही लॉग इन कर लेना है। और बहुत ही आसान से स्टेप्स है, साइड से क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब जादू होने वाला है, ये मेरे फ्रेंड की वीडियो क्लिप है, बस अपने फोल्डर में से ये वीडियो को उठाना है और ये वेबसाइट के अंदर डाल देना। अब मैं चाहता हूँ मेरे फ्रेंड की जगह पे एक 3D मॉडल आ जाए जो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे फ्रेंड के जैसे ही अपनी बॉडी को मूव करे, अपने हाथ को हिलाए, जहां मेरा फ्रेंड देख रहा है वहां पर देखे। तो सिंपली ऊपर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और नीचे से स्कैन फ्रेम फॉर एक्टर्स। इससे क्या होगा, ये एक्टर्स को फाइंड कर लेगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पर बंदे मूव कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दो रेक्टेंगल शेप सी बनी आएगी, एक मेरे इर्द गिर्द में, एक मेरे दोस्त के इर्द गिर्द में। और अब साइड में देखिए काफी सारे 3D मॉडल्स हैं, कुछ अभी आने वाले हैं, कुछ पहले से ही हैं। और इनमें से जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको बढ़िया लग रहा है, जस्ट उसको उठाना है ड्रैग करके और जहां पर लगाना है, जैसे मैंने अपने फ्रेंड के ऊपर लगाना है तो वहां पर लाकर छोड़ देना है और ऊपर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब एक्सपोर्ट की अलग अलग ऑप्शन आ गई है, यहाँ भी आपको कैसा एक्सपोर्ट करना है। जैसे मैंने 1080p और MP4 सेलेक्ट करा था और नीचे से स्टार्ट प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है और ये करीब 46 मिनट्स के करीब दिखा रहा है। तो हाँ जी, एक्सपोर्ट हो चुकी है जी वीडियो हमारी। और भाई साहब ये देखो, सेम टू सेम मेरे फ्रेंड के जैसी एक्टिंग कर रहा है, लाइटिंग भी वैसी मैच कर दी, एक्शन भी वैसे मैच कर दिए, मतलब मजा ही आ गया यार। अब आप कमेंट्स में बताओ आपको कैसा लग रहा है ये। और हमने एक शॉर्ट मूवी भी बनाई है ये 3D कैरेक्टर को यूज करके, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो जरूर चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वो शॉर्ट मूवी जरूर देखना, काफी प्यारी सी छोटी सी स्टोरी बनाई है। तो उसके अंदर भी मेरे फ्रेंड ने एक्टिंग करी हुई है, 3D मॉडल के साथ अपने फ्रेंड को रिप्लेस कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे वो 3D मॉडल ही एक्टिंग कर रहा है। और ये वंडर डायनामिक्स वेबसाइट भी जरूर ट्राई करें, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ नया बढ़िया एक्सपीरियंस आपको जरूर मिलेगा। बाकी इस वीडियो पे लाइक जरूर कर देना एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।